जुगो जुगो अटल शब्द सतगुरु तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अजीम अपार बख्शिश प्रभात समय सत्संगत दे समां सी प्राप्त कीता है। गुरु हजूरी नूं माणदे आ गुरबाणी कीर्तन स्रोत होया आसा की वार दे रूप विच उपरंत प्रभात्री दीवाना दी अरदास नाल ही अज दा हुक्मनामा गुरवाक अजे हुणे सी सरवण कर रहे सी। पावन बचना दा पाठ असी सरवण कर लिया है, पाठां दा दोहराव हुण नहीं होएगा। बनदे समय विच इन्हां गुरवाकां दी असी तकरीर विचार करांगे। सो आओ मर्यादित ढंग दे नाल गुरबचना दी विचार प्रारंभ करिए। सब तो पहले अंदास द्वारा बुलाई फतेह प्रवान होए, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा है गुरु हुक्म सूरठ की वार महला चौथा, इस विचों है गुरु रामदास पातशाह द्वारा उच्चरित की गई पौड़ी अते नाल लगदे दो श्लोक। दोनों श्लोक गुरु अमरदास महाराज जी दे उच्चरित किए ने। बचन की प्रारंभता बिल्कुल पहले श्लोक तो शुरुआती बंद जो है वो तो हो रही है। श्लोक महला तीजा, ब्रह्म बिंदै तिसदा ब्रह्मत रहै, एक शब्द लिबलाए नव निधि अठारह सिद्धि पिछे लगियां फिरें, जोर हिरदय सदा वसाए। ब्रह्म बिंदै तिसदा ब्रह्मत रहै। जे असी साउथ एशियन खिते दे विच जो धर्म का ज्ञान हजारां हजारां सालां दे विच मनुखी सभ्यता दे अंदर पैदा होया उसनूं देखिए तो उहदे विच एक खास किस्म की वकैबलरी है। उस वकैबलरी दे विच असी जिवें वर्ड पढ़ते हैगे हां ब्रह्म माया देव इस तरीके दे नाल। ब्रह्म जिसनूं कहा गया कि अकाल पुरख वाहिगुरु उस साक्षात दैवी हस्ती दे बारे कहा जाता है। सो जो लोग उस साक्षात हस्ती दे नाल जो असल सारे दा सर्वस्व मूल आ रब कह लो उहदे नाल सांझ रखते ने उहनां नूं ब्राह्मण कहा गया। हौली हौली एक क्लास एक लीट एक जात एक कास्ट उहदे नाल कुर जिहड़ा हैगा जोड़ी गई तो हौली हौली कहा गया कि ये लोग पूजनीक ने स्वर्ण ने वड्डे ने। ये सारी बात असीं सारे उस खिते च पढ़ते हैं। गुरमत स्कूल ऑफ थॉट ने सानूं इह कहा कि बंदा कर्म दे उत्ते चंगा या माड़ा हुंदा है, जन्म दे उत्ते नहीं। जन्म करके असी सारे डेफिनेटली कुछ संस्कारां दे नाल जन्म लैने हां। डेफिनेटली एक गिवन एनवायरमेंट दे विच जो मदर नेचर सानूं ब्लैस करती उहदे चाहुंदे हां असी। बट स्टिल जिहड़ियां साडियां चोणां ने चॉइसिस वो दसदियां ने हू वी आर। इस नूं बदलदे दौरान दे अंदर समें दे अंदर जिवें वैस्टर्न वर्ल्ड ने जिहनूं असीं यूरोसेंट्रिक एजुकेशनल सिस्टम कहने जिहदे च यूरोसेंट्रिक अप्रोच अडोप्ट की गई, तर्क नाल दलील नाल रैशनल थिंकिंग आ गया। सो सारे नाल जो चीज़ां मनुख नूं समझाइयां गईयां समझाइयां उस तरीके नाल हौली हौली इहदा इस पासे तो यूरोप वाले पासे तो पसारा वधिया ते लोग कहन लगे हाँ वाकई अच्छी जिहड़ी चीज़ रैशनल वे दे नाल लॉजिक नाल समझ आउंदी उहदे ते इम्फेसाइज करो। ये सब चीज़ां होईयां
ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਲੀ ਨਾ ਵੀ ਓਲ ਡੂ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਚੋਇਸਿਸ ਐਂਡ ਆਵਰ ਚੋਇਸਿਸ ਡਿਸਾਈਡਸ ਹੂ ਵੀ ਆਰ ਸਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਇਸਿਸ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਗਿਵਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬਹਿਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਇਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗਿਵਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਨ ਦੀ ਹੀ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁਣ ਲਓਗੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਚੋਇਸਿਸ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਨਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੇਸਡ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੁਣੇਗਾ ਵੀ ਕੀ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਡਿਬੇਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪਰ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦ ਹੈ ਤਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਤਰ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡਿਵਾਈਨ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਨ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਡਿਵਾਈਨ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੀਚਰ ਵਰਲਡ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਟ ਟੂ ਡੂ ਐਂਡ ਵਟ ਨੋਟ ਟੂ ਡੂ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦਣਾ ਆ ਇਟਸ ਏ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਕਨਸੀਵ ਜਿਹਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਨ ਵੀ ਸੋ ਅ ਸੀਡ ਇਨ ਏ ਇਨ ਇਨ ਐਕਚੁਲੀ ਸੋਇਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿੰਦਣਾ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੀਵ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਦੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਥੋਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਪਰਸੀਵ ਇਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੋ ਡਿਵਾਈਨ ਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਰਸੀਵ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਸਣਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦ ਹੈ ਤਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਤਰ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਤ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਨ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ 'ਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਲੋਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਹੇਗਾ ਇਹਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਨ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਉਹਦੇ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਆ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੇਖਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਟੋਲਰੈਂਸ ਲੈਵਲ ਬੜਾ ਹਾਈ ਹੈ ਦੇਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦਸਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਪੜਤਾਲ ਲਿਆ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵਿਜ਼ਡਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ ਕੋਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੇਦਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵੇਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਾਈਵਾਲ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਐਜ਼ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਟਸ ਨੋਟ ਫਾਈਨਲ ਵਰਡਿਕਟ ਬਟ ਐਜ਼ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਲ
are seeker of these things. But the problem is how to get it. Brahm Binda. ये लगातार consistently अपने अंदर रावां विचार बीजने पैंदे ने. जे नहीं बीजांगे, मैं बेनती की कि देवत्या दे घर जन्म लैके भी बंदा देवता बने जरूरी नहीं. भाई गुरुदास जी से अक्सर बचन पढ़ते हैं, वो कहिंदे कि दैंत सुत भगत प्रगट प्रहलाद भय, देव सुत जगत मैं छनिछर बखानी है. मैं इतिहास दिया शीशे तरह तस्वीर उतार दी. क्या तुसी इन्हां एपिक्स नूं पढ़ दिओ, इतिहास नूं पढ़ दिओ, यू नो तुसी ये स्टोरी शेयर कर दिओ भारतीय खिते दे लोकां नूं, एक तरह दे नाल सैल्फ रियलाइजेशन की गल कर रहे भाई गुरुदास जी. ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗਾਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੰਤ ਕਥਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਬਾਪ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਰਾਖਸ਼ ਸੀਗਾ. ਹਰਨਾਖਸ਼ ਰਾਖਸ਼, ਸੋ ਰਾਖਸ਼ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ. ਕਿਆ ਦੈਂਤ ਸੁਤ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਏ, ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਤੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚੋ. ਇਹ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਸੋਚ ਸੋਚਣ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸਾਨੂੰ. ਫਿਰ ਕਿਆ ਦੇਵ ਸੁੱਤ ਜਗਤ ਮੈਂ ਛਨਿਛਰ ਬਖਾਨੀ ਹੈ. ਦੇਵ ਸੁੱਤ ਛਨਿਛਰ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ. ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ. ਕਮਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਸਨਾਤਨੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਜਲੀ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੂਰਜ ਨਮਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤ ਸ਼ਨੀ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ. ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਖਾਨਦਾਨ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਮਫੈਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ. ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੀਬਰ ਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਪਰਸੀਵ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ. ਇਹ ਵੀ ਹੈ. ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ. ਗੁਰੂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਹਗੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਰਤਾਉਂਦਾ. ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਏਬਲ ਟੂ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਦੈਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਥਿੰਗ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਡਾਰਕਨੈਸ, ਦੈਨ ਸਮਵਨ ਐਕਚੁਲੀ ਹੈਲਪਸ ਅਸ ਇਨ ਦੈਟ ਮੂਮੈਂਟ ਬਾਏ ਸ਼ੋਇੰਗ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਟਾਰਚ. ਐਂਡ ਵੈਨ ਦੈਟ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਇਜ਼ ਪੁਟਿੰਗ ਟਾਰਚ ਔਰ ਲਾਈਟ ਆਫ ਟਾਰਚ ਔਨ ਦੈਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਥਿੰਗ, ਵੀ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਓ ਇਟਸ ਹੇਅਰ. ਗੁਰੂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਰਤਾਉਂਦਾ. ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਹੋ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ. ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੰਦੇਗਾ ਤਾਂ ਤਿਸਕਾ ਤਿਸਤਾ ਬ੍ਰਹਮਤ ਰਹੇ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਤਵ ਰਹੇਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਏ. ਲਿਵ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਨਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਣੇ. ਜਿਵੇਂ ਸੋਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਲਿਵ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਮਾੜ ਜਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਨ ਕੱਢ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਵ. ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਪੈ ਬਣੀ, ਮੌਕਾ ਬਣੇ ਬਸ ਆਹ ਕਰ ਲਾ. ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ, ਚੇਟਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ, ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਬਣੇ ਦੈਨ ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਇਟ. ਇਨ ਬਿਨ ਇਤਨੀ ਹੀ ਚੇਟਕ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਵਕਤ ਬਣੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਾਂ. ਓਕੇ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਲਿਵਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ.
फिर बचन कहा महाराज कहिंदे नव निधि अठारह सिद्धि पिछे लगियां, फिर नव निधि अठारह सिद्धि। इस तरह जाणो, आपने कभी नोट्स कीती हुई चीज़ है, बच्चे जेडे फेमस लोग हुंदे ने, देर आर सम स्पोर्ट्स आईकॉन, देर आर सम एंटरटेनमेंट आईकॉन्स, उन्होंने मतलब वेखदे, उन्होंने वर्गे कपड़े पाउंदे, गल्लां करदे उन्होंने तरह। मैं देखिया खास करके स्पोर्ट्स के बच्चे उस उन्होंने एक्शन सीखते, एवें तुरदा एवें करदा इस तरीके नाल, की है दे वॉन्ट्स टू बी लाइक दैम, उस तरह बनना चाहते पर बन नहीं पाते, सब कुछ करते फिर भी। भाई गल है जो वो बने ने इस करके नहीं बने बिकॉज दे डू दीज एक्शंस, नो नो नो, ये जस्ट उन्हों का एक सपोज करो कोई उन्हों का तुरना फिरना नैचुरली हैगा है, वो बने किवें ने बिकॉज दे डेडिकेट देयर लाइव्स टूवर्ड दैट हार्ड वर्क, जिहड़ा उन्होंने हार्ड वर्क किया। जिवें रीसेंटली मैं एक बच्चे की प्रेजेंटेशन देख रहा सीगा, उसके टीचर ने बड़ा कमाल का एक सिंबल पाया, वो कहिंदा सक्सेस इज ए जस्ट टिप ऑफ आइसबर्ग, दैट इज सक्सेस, पीपल कैन ओनली सी दैट थिंग द टिप ऑफ आइसबर्ग, बट टिप ऑफ आइसबर्ग तो इन्ना गया, बाकी सारे का सारा जो पहाड़ आ लोदा है वह सारा पानी के थले है, उदे विच की है उदे सैक्रीफाइसिस ने, हार्ड वर्क है, अंबैरसमेंट है, फेलियर्स ने, उदे च सारा कुछ ही पिया है। छोटा जा फेलियर हो जाए बंदा अंबैरस फील करता, बंदा बाहर नहीं निकलता, पता नहीं किन्ने फेलियर्स वेखे होंगे जिंदगी, किन्निया अंबैरसमेंट्स देखिया होनगियां, पता नहीं किन्ने उत्थे हार्ड वर्क किए होंगे, किन्ने सैक्रीफाइसिस किए होंगे, किन्ने रातों की नींद खराब की होनी है, ये कोई नहीं वेख रहा, पता ही नहीं किसी ने भी हैगी है, सक्सेस वेख रहा बस। एक्चुअली जिहड़ियां रिद्धियां सिद्धियां दियां गल्लां करदे आ असीं, रिद्धियां सिद्धियां ही ने कि बंदा जो चितविया जो सोचिया हो गया कर लिया, आले दुआले जिंदगी माण रहा, इंजॉय कर रहा, सारा कुछ रिद्धियां सिद्धियां ने। कोई एक मूंह माड़ी जी गल करता, दस बंदे पूरे करने वाले आले दुआले, रिद्धियां सिद्धियां ने। पर बाबा जी कहिंदे पिछे लगियां फिर परछावें की तरह, लाइक ए शैडो दे गोना फॉलो यू, बट हाउ कैन आई एक्चुअली अचीव दैट लैवल। बाबा जी कहिंदे एक शब्द लिव लाए, ये लिव लाउणी जिहड़ी ये जीवन जिउणा आ, ये बंदे ने लगातार उस सारे चो लंघना आ अपने आप नाल, क्योंकि सारा अंदर दी स्ट्रगल आ, मन दा मन नाल सिजना आ, मन नाल नजिठना आ, ये है ब्रह्म बिंद है। असी तो देखते हैं वाह क्या कमाल आ, किन्ने कमाल दी कॉर्न होई है, किन्ने कमाल दी जिहड़ी हैगी इत्थे वीट होई है, पर वो देखो जिन्होंने रातों को जाग के, मैं देखा ईवन सानू किसानी कई बार इंडिया च औखी लगती, इतने कहते मशीनी हैगी सब कुछ, बट आई हैव सीन वैन दे एक्चुअली डू देयर कल्टीवेशन एंड देयर सोइंग थिंग्स, माई गुडनैस, रात दिन एक किते होंगे उन्होंने सारी सारी रात, इतने भी ट्रैक्टर चलते फार्मरस के, इतने भी वो बिल्कुल मतलब उस सारी जी अज जी दिख रही है कारण, ये किसी मुशक्कत चो निकली है, किसी डेडिकेशन विचों निकली है। एक शब्द लिव लाए, जिथे लिव लग गई उत्थे नव निधि अठारह सिद्धि पिछे लगियां फिरें, जो हर हिरदे सदा वसाए, जो हरी नू हिरदे सदा वसाउंदा है। साड़ी आम करके हुंदी है पी कबहूं जीड़ा ऊब चढ़त है कबहूं जाए प्याले, अज असी तोला वा कल नू मासा हो जाएंगे, मुराद है कि बंदे का जिहड़ा बिलीव भी है बड़ा शैटर्ड जिहा आ, बड़ा मतलब कोई मेरे मुताबक चीज़ा हो रही ने, मैं रब न भी याद कर रहा, रब भी चंगा लगता मैं, माड़ा जो कोई मैं चैलेंज आ गया, मैं लगता भी कोई रब नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, बंदा गुरुद्वारे की सार से दूर की गल रही रब का नाम ही भुला देता है। मैं देखा लोग कहते नहीं मैं तो छड़ता हूँ पाठ ही नहीं करता, मैं क्यों है फायदा ही कोई नहीं भाई साहब, आह गल नहीं हुई, ओह मतलब माड़ा जहा कोई चैलेंज आया तो बंदा उत्थे ही घबरा गया।
बाबा जी कहते जो हर हिरदा सदा वसाए। ये जीवन दुख सुख तो पछा चलती रहेगी, पर कंसिस्टेंटली अपने आप में लगातार दसना जीवन दे रियल परपज बारे उदे एफर्ट पाउनी, उदी बात हो रही है। बिन सतगुर नाओ ना पाई है बूझो कर विचार, पर ये भी कोई गाइड चाहिए। बिन सतगुर, बिना सतगुरु तो नहीं। तो फिर मैं बेनती करा, सतगुरु मेन कोई ह्यूमन फॉर्म नहीं हो, निकल नहीं हो रही इतने, क्योंकि ह्यूमन फॉर्म एज ए ह्यूमन वी ऑल हैव सम वीकनेसेस, सम एरर्स, सम सॉर्ट ऑफ लॉस। बट जिहड़ी चीज साडे वास्ते बिल्कुल बड़ी आइडियल है, मददगार है, वह शब्द है सतगुरु। फिर इस करके सतगुरु शब्द ही देता तेन, तू ना उहदे नाल जुड़ जिहड़ा है ही सिखिया शब्द। सो बचन आया बिन सतगुर नाओ ना पाई है, इहदे विचों नाम उपजेगा, इहदे विचों नाम की आमद होएगी। कई बार चीज़ां एवें भी होंदियां ने, जिवें सपोज करो पूरा असीं ट्री देखते हाँ, तो कोई ट्री देख के कहे वाओ ये ट्री, तो बच्चा छोटा जिहनूं कहा जाए यू नो दैट इज़ अ सीड, इट हैज़ बीन कन्वर्टड इन द होल दिस बिग शेप। बच्चा कहेगा आर यू किडिंग मी, नो इट कैन नॉट बी, दैट इज सो स्मॉल टाइनी, इट्स वेरी बिग, यस इट इज। जिहड़ी नाम दी आभ आया ये बड़ी बेअंत आ, रहना पीना खाना सौना हसना सब कुछ एक डिसिपलिन च उकर जाना, ये नाम है। पर ये बंदा कहिंदा ते बड़ी वड्डी चीज है, हाँ शब्द विचों आएगी। साडे लई शब्द नितनेम दी बाणी हो सकती है, साडे लई शब्द रूटीन च गुरबाणी नूं सुनना पढ़ना समझना। बंदा कहेगा कैन दीज एक्टिविटीज डू दैट सोर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन माई लाइफ, यस इट कैन। ये बीज ही सारा रब इन्हें रूप वटाउणा अपना, जदों शब्द वरतेगा उदों ही चीज़ां होणगियां। इत्थे साहिब कहिंदे बिन सतगुर नाओ ना पाई है बूझो कर विचार, ये विचार करके भी देख लो तुसी। ईवन बाबा जी साडी थॉट प्रोवोकिंग कर दे, रैशनल वे नाल थिंक करके वेख लै, विचार करना ही होंदा। ट्राई टू एक्चुअली पुट योर रैशनल माइंड हेयर। अगला बचन लिखिया नानक पूरा भाग सतगुर मिले सुख पाए जुग चार, पर हे नानक पूरा भाग, भाग कई रूपां च असीं शब्द ये पढ़िया आ। भाग का मतलब एक कुदरत की हिस्सेदारी भी होंदी है, साडी हिस्सेदारी कुदरत की, कुदरत की हिस्सेदारी जिहनूं किस्मत कहिंदे आ असीं। ये भी इस करके बंदा कई बार अरदास भी करता है कि ये कुदरत अपनी हिस्सेदारी पा। मेरी हिस्सेदारी तो बहुत छोटी, मैं जो किसानी की गल की, किसान का रोल है नो डाउट बीज बीजना सब कुछ करना, पर कुदरत का बड़ा वड्डा रोल है। कुदरत सीजन लैके आउंदी, वैदर लैके आउंदी, बरसात हवा सब कुछ तो लैके, उहदा भाग तो बड़ा वड्डा। जो ही भाग ना पावे फिर की बनेगा, फिर तो कुछ भी नहीं बनना, फिर बीज ना हो गया पूरा भाग। पर यह दोनों का एक्चुअली ये कंबीनेशन है, कंबाइंड चीज़ा ने। तो बाबा जी बयान कर दे कि कुदरत तरस करने वाली है, क्योंकि करतार तरस का मादा आ, वो अपना भाग पाएगा, घबराना क्यों है तू। इस करके बाबा जी कहते तू काहे डोला प्राणिया, क्यों डोल रहे हैं तू तो? बाबा जी पता नहीं मैं बीज बीज दूँ अपना भाग ही ना। बाबा जी कहते नहीं एवें नहीं हो सकता, वो बेअंत उहदा रूल का हुक्म आ, वो हुक्म दे विच बज्जा होया उस चीज़ नूं जरूर पाउंदा। क्या नानक पूरा भाग सतगुरु मिले सुख पाए जुग चार, ते हे नानक यही चार युगों का सुख आ। मीन ये सदीव काली एक आइडियल थॉट आ। अगला श्लोक आ महला तीजा, क्या गभरू क्या बिरध है मनमुख तृष्णा भुख ना जाए। तृष्णा भुख, आपने एक स्टेटमेंट बड़ी बारी पढ़ी सुनी होनी है, अक्सर लिटरेचर च भी कई जगह पर बयान की जाती, बंदा अपने दुखा करके दुखी नहीं गा ना, बंदा दूजे के सुखा करके दुखी है। कंपैरिजन होंदा ना सुरते च, जिवें देखदा ओ माई गुडनेस आई एम स्टिल स्टैंडिंग हेयर एंड दैट इंडिविजुअल इज एक्चुअली गोइंग दैट फार, ओ दैट्स नॉट गुड। इहदे चों अपने आप की रिजैक्शन होंदी है, फिर सैल्फ बीटिंग शुरू होंदी है, अपने आप नूं कोसना शुरू करदा बंदा, इत्थों शुरू करदा जिन्हें हुण अपने आप नूं 50 वारी कोस लिया, चलो ठीक है हुण 50 वारी अपने आप नूं कोस लिया, हुण फिर लोगों नूं कोसना शुरू करा, किन्ना कोसांगा लिमिट है ना मेरी,
I cannot actually just beat myself all the time. No. Then I start beating others. I start actually blaming others. ये तृष्णा है, ये अग है, पांबड़ है, ते अग दे सड़ना ये ते बड़ा औखा है। ते एक ऐसी अग जिहड़ी बुझण दी थां वध रही है, वध रही है, वध रही है। ते बंदा कहिंदा कोई ना, यू नो, अजे अग हैगी है, बट एज टाइम एक्चुअली गोज, एज टाइम पासिस, आई विल कम आउट ऑफ इट। बाबा जी कहिंदे ना, ये नहीं, उम्र का कोई पड़ा, समय का कोई पड़ा इन्हों नहीं रोक सकता। ये तो विचार ने, इत शब्द आ, क्या गबरू क्या बिरध है, गबरू चढ़ दी जवानी। उस समय च बंदा सोचे भी इतने तृष्णा तंग कर दी, इस करके जो एज्ड हो जावगा नहीं तंग करेगी, ना गरंटी कह दी है। बल्कि बिरध अवस्था इत ज़्यादा तंग होंगे बंदा। बिरध अवस्था के विषते बंदे को, क्योंकि हिस्टरी होंगी लाइफ की, उसनों सामने रख के वो ज़्यादा कोसदा, वो ज़्यादा कल्पदा, क्योंकि उसका कंट्रोल कोई है नहीं हुण उहदे, वह होर ज़्यादा अपने आप दे फ्रस्ट्रेशन में जाता है, होर ज़्यादा दिक्कत आती है। सब बयान करते तृष्णा भुख ना जाए, उसकी तृष्णा वाली बिरती खत्म नहीं होती। हाँ, गुरमुख शब्द के रत्तियां शीतल होए आप गवाए। शीतल शांति है, पीस ऑफ माइंड जिन्हों कहा गया। यह तृष्णा के ऑपोजिट है बिल्कुल। ये किसी भी उम्र के पड़ाव अडोप्ट की जा सकती है, जी जा सकती है। जिवें गुरु अमरदास साहब ने बचन कहा सीगा भी, काली धौली साहिब सदा है जे को चित करे। काली जवानी का टाइम, धौली बुढ़ेपे का समा, गबरू बिरध यदि गल हो रही है। अकाल पुरख वाहगुरु हमेशा कायम दायम है। उहदा निजाम यह है, उहदे नाल जुड़ के आत्मक तौर पर शांति किसी समय भी लई जा सकती है। आपां इह सोचण दा ढंग ही है, जिवें आपां जे हुणे बात कीती है, जे डीप लैवल ते देखांगे ना, असीं कुछ नाल लैके आए सी, ना कुछ नाल लैके जाणा। जदों आए सी उदों शरीर सीगा नाल, जदों जावांगे उदों इह वी नाल नहीं होएगा। दैन कंट्रीब्यूशन है जी, बस गिवन सरकमस्टांसिस दे विच जिहड़ी बेस्ट चॉइस आ, दैट वी शुड डू। बस इतनी एक बंदे दी माफी मंगांगा, ये सिमरन है, रेपिटिशन है। जिवें हुण गल कही है, ईवन इन्नी गल कहण दे नाल ही आई फील सो लाइट इन, इफ आई एम एक्सरसाइजिंग इट, हाउ इज गोना बी टोटली शांति। आ रूप है, ये प्रैक्टिस है। पहला ख्यालां दे विच आ, सिमरन दे रूप दे विच, हौली हौली फिर सिमरन कन्वर्ट होंदा वर्ड्स दे विच, फिर वर्ड्स कन्वर्ट होंदे एक्शंस दे विच। इस तरीके नाल चेन है एक। सब बयान करते जिहड़ा गुरमुख आ, जिहदा मूँह गुरु वाले पासे हो गया, हु इज गैटिंग इंस्पिरेशन, टीचिंग्स, गाइडेंस फ्रॉम गुरु। गुरमुख शब्द दे रत्तियां, उस शब्द विच रत्तिया गया। रत्तना होंदा है किसी चीज़ च अपने आप नूं मर्ज कर देना, जिवें कपड़े विच रंग कोई चीज़, या जिवें कपड़ा या स्पंज पानी नूं सोखदी है अपने विच, रत्त लैंदी विच। इन बिन कई बार साडियां सांझां एवें दियां होंदियां ने, थोड़ियां बहुतियां उपरियां उपरियां गल्लां कीतियां, उपरी उपरी गल सुनी, ते उत्थे मतलब डीप लैवल ते कोई रिलेशनशिप बने, उह सोच मर्ज कर जे अंदर, ये जरूरी ने। इहदे लई फिर मैं बेनती करांगा, कई बार बहुत एफर्ट पाउणी पैंदी है। जिवें दुनिया का बहुत बेस्ट राइटर कम्युनिकेशन ते अज भी बड़ा पढ़िया जांदा, डेल कार्नेगी, वो जो एक मैटाफोरिक एग्जाम्पल करता है, लोग बड़ी एग्जाम्पल वार वार दोहराते हैं कि बीज विच हर तरह की ताकत आ, बीज ही दरख्त बनता, बीज ही क्रॉप दे विच कन्वर्ट होंदा आ, बट उस बीज नू जमीन दे विच बीजना यह हार्ड वर्क है, क्योंकि जमीन तैयार नहीं होंदी। जमीन मत है साडी, मत तैयार नहीं होंदी किसी विचार नूं अपने विच मर्ज करन वास्ते, रत्तन वास्ते। उहदे लई उसनूं बड़ी एफर्ट विच लंघना पैंदा है। सो यह है कि जो लगातार कल्टीवेशन होंदी है, लगातार
फिर एक लैवल आउंदा जदों मिट्टी ऐन करसान तैयार कर लैंदा, फिर वह पाउंदा है मिट्टी राइट अपने विचों आगोश च लै लैंदी, बिंदना आउंदा है। इत्थे रत्न की गल की गई, बिल्कुल उही थॉट ने महाराज वक्रे वक्रे एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। गुरमुख शब्दे रत्तियां शीतल होए, शांति आ गई, आप गवाए, आपा भाव, जिसनों मैं अपना भाव समझ के बैठा सी कि मैं आ हाँ, मेरी सोच आया, मेरे मुताबक होए, वो गवा दिती, वो जिहड़ी आ छड़ दिती, हुण वो चली गई। अंदर तृप्त संतोखिया, हुण जदों अंदर झात मारदा आ, अंदर संतोख है, कंटेंटमेंट भरिया होया, नहीं तो अंदर साडा खला आ। बंदे नूं बाहर देखण नूं असीं देखदे हां बड़ा भरिया आ, बड़ा वधिया ने, बड़ा ड्रैसअप होया आ, बड़ा वधिया है, स्टेटस आदा सब कुछ। अंदर झात मारो कि पता लगा माई गुडनैस ही इज एक्चुअली अवे लोअर दैन ए बैगर। इन्नी अंदर अग लगी भी, अंदर भुख पई, अंदर तो इत्थे जा के पता लगता ना। अंदर तृप्त संतोख आ। एक चीज होर बेनती कर देना वा, जिहड़ा देना आ दिस इज लव। वैन वी आर रेडी टू गिव दैट मीन वी आर इन लव। उथे ते ए जिहड़ी चीज आ, बंदे ने की समझिया कि दैट मीन इफ आई एम एबल टू गैट एनी बेनीफिट, एनी कंफर्ट, एनी सोर्ट ऑफ एक्चुअली यू कैन से आई कैन फुलफिल माई विशेज फ्रॉम समवन, दैट मीन वी आर इन लव। नो, इहदा मतलब ही है कि जदों आपां इस लैवल ते आ गए तो देवांगे कदों, जदों कोल होएगा, व्हेन आई हैव समथिंग। तो बंदा कोल तो कुछ है नहीं गा, कोल सब कुछ ही है। बंदे कोल सब तो वड्डी कोल जिहड़ी चीज़ है ना, वह है बेस्ट विशेज, दुआवां। बंदा ये तो जिथे दुआवां देगा यही भला आ, अरदास करनी भले वास्ते किसी नूं इस रूप, फिर कुदरत कहिंदी जे तू अच्छा दुआवां ना दे कलियां, ना 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 ले आ भी दे, तू आ भी दे, फिर यही नौ निधि 18 सिद्धि फिर पिछे लगियां। फिर है फिर बंदा जिन्ना दे लवे, जिन्ना वंड लवे, उन्ना ही थोड़ा आ, फिर लगता आ भी दे दें, आ भी दे दें। इसनूं साहब ने कहा अंदर तृप्त संतोखिया, कंटेंटमेंट आ गई, फिर भुख ना लगा आए। अज इत्थे ते बंदे दी भुख हटती नहीं, पूरी नहीं होंदी, बंदे नूं जो मर्जी मिल जाओ कहिंदे नहीं होर लिया, होर मैं तो अजे भी भुखा आ। इत्थे इत्थे क्या रज गया, राजा हो गया। नानक जे गुरमुख करें सो परवान है, जो नाम रहे लिवला। हे नानक, जो गुरु वल मूँह करके इस तरह जीवन जींदे उह परवान हो जाते। मीन लाइफ जिहड़ी हैगी है, जे आपां सैटिस्फाइड हाँ, वी आई एम सैटिस्फाइड फ्रॉम माई सैल्फ, दैन डेफिनेटली मदर नेचर विल बी सैटिस्फाइड विद मी। तो जे वह सैटिस्फाइड हो गई तो फिर जीवन प्रवान आ, फिर दोबारा जिहड़ा रीइनकारनेशन का कॉन्सैप्ट है तो डन आ। फिर कुदरत ने कहना तेनू जो बनाना सीगा तू बन गया, ठीक है, बस अगला बचन है पौड़ी। हौं बलिहारी तिन को जो गुरमुख सिखा, जिहड़े गुरु वल मूँह करके इस तो जी सिक्ख्या लै लेंदे। गुरु रामदास साहब कहिंदे मैं बलिहार जाना उन्हां तों, जो हरनाम ते आएंदे तिन दर्शन पिखा। जो हरी नाम नूं इस लैवल ते ध्यान दी समर्था लै आए, उन्हां दे मैं दर्शन देखना चाहुंदा। भाव इहो जी संगत दी मंग मैं करदा आं, सुन कीर्तन हर गुण रवां हर जसमन लिखां, क्योंकि यही जीवन दा मकसद आ। हरी दा कीर्तन सुनना, हरी दे कीर्तन नूं मन विच वसाउणा, उहदियां सिक्ख्यावां मन दी सतह ते, मन दी सलेट ते लिखणियां। हर नाम सलाही रंग सो सब किल बिख क्रिखा, जिन्ना हरी नाम नूं रंग नाल प्यार नाल असीं अपने आप दे विच वसावांगे, किल बिख क्रिखा, पाप दीआं माड़ीआं बिरतियां क्रिखियां जाणगियां, टुट जाणगियां, खत्म हो जाणगियां। तन तन सुहावा सो शरीर थान है, जिथे मेरा गुर तरे विखा। ओ जीवन वाकिया ची पूजन योग है, चंगेरा आ, सलाहुण योग है, जिदे जिसनों वेख्या रब चेते आउंदा, गुरु चेते, जिदे च रब ते गुरु विख्या वो आके टिक गया, वह दिखाई देंदा उस रूप दे विच। साहब ने उहदी बात कीती, महाराज बख्शिश करन है से अलाही अगमी वाक। असी हर रोज़ पढ़ते सुनते हैं, इन्हों का असर असरार साढ़े जीवन से हुए दिली अरदास आ। इनियां बिनतियां नाल खिमा भुला गलतियां ना चितारे हो जी, सब प्रेम आवाज़ दे के कह देना जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।